अनूपगढ़ जिले की टॉप 10 खबरें। शिमला नायक का जनसंपर्क के दौरान 8 एमएलडी ग्रामीणों ने किया धूमधाम से स्वागत वोट देकर विजय बनाने का दिया आश्वासन। शिमला नायक ने ग्रामीणों का किया दिल से अभिवादन। बाईस नवंबर यानी कल बुधवार सुबह 11 बजे रायसिंह नगर चानन वैद्य की दुकान के पास पुरानी धान मंडी में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कल दिनांक 22 नवंबर 2023 को पुरानी धान मंडी रायसिंह नगर में चानन मल वैद्य के दुकान के पास 11 बजे एक विशाल जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। पुलिस थाना अनूपगढ़ व जिला डीएसटी की संयुक्त कार्यवाही नशे के सप्लायर सहीराम बिश्नोई व मुकेश बावरी को अफीम व डोडा पोस्ट सहित किया गिरफ्तार। बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर 3 घायल 1 गंभीर घायल को हायर सेंटर के लिए रेफर किया। सोमवार देर शाम 68 जीबी के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। एसटी टीम ने की कार्रवाई, नाकाबंदी के दौरान वैन से मिले 2,41,000 रुपए जब्त किए। विधानसभा चुनाव को लेकर एफएसटी और एसएसटी टीम ने रावला मंडी के गांव शेखड़ा के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति से 2,41,000 रुपए जब्त किए हैं। अरोड़वंश समाज की हुई बैठक, यमुनानगर विधायक का किया सम्मान, समाज को दिया एकजुटता का संदेश। शहर के व्यापार मंडल प्रांगण में अरोड़वंश समाज और युवा अरोड़वंश की ओर से एक बैठक का आयोजन कर यमुनानगर विधायक घनश्याम दासारोड़ा का सम्मान किया गया। वोटर रैली एंड फ्लैश मॉब का किया आयोजन, 25 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर लोगों को किया जागरूक। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव को लेकर नगर परिषद के द्वारा स्वीप कार्यक्रम में सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत आज वोटर रैली एंड फ्लैश मॉब का आयोजन किया गया। घटसाना में बस अड्डे के मेन गेट पर बना गड्ढा आमजन की बड़ी समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है। गंदगी से भरा हुआ गड्ढा आमजन को भयंकर बीमारियों की चपेट में ले सकता है। आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति न्यूज नेटवर्क।